हेलो दोस्तों, मोनिकास कुक बुक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम चल रहा है तो इस जन्माष्टमी मैं आप सबके लिए लाई हूँ स्पेशल स्वीट डिश रेसिपी खाजा। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है खाने में, तो चलिए फटाफट ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम में रख के उसमें 500 ग्राम चीनी और एक बाउल जितना पानी डाला है और 3 से 4 इलायची को कूट के डाल दिया है। तो यहाँ हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक चाशनी रेडी होती है तब तक हम डो गून लेते हैं। तो एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे, उसमें 1 पिंच जितना सॉल्ट, 2 टीस्पून पाउडर शुगर और 3 टीस्पून घी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट बाइंडिंग हुआ है। अब इसमें हम पानी डाल के एक मीडियम डो गून लेंगे। हमें यहाँ डो को अच्छे से मसलना है। ऐसा करने से डो धीरे धीरे सॉफ्ट भी होता रहेगा और तलते समय ये अच्छे से फूलेगा भी और क्रिस्प भी बनेगा। तो इसे अच्छे से मसलिए। अब डो को 10 मिनट के लिए साइड पर रख दे रेस्ट करने के लिए। अब एक बाउल में 4 टीस्पून घी डालें और उसी मात्रा में यानी कि 4 टीस्पून चावल का आटा डाल के इसे अच्छे से फेंट लीजिए जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अब पेज को रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दे। देखिए तो ये सेट हो चुका है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो डो को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा डो का टेक्सचर एकदम परफेक्टली आया है। तो अब इसे एक बार फिर से मसल लेंगे और इसे इक्वल पोर्शन में बांट के इसकी लुई बना लेंगे। अब सरफेस में थोड़ा सा मैदा छिड़क दे और लुई को जितना हो सके उतना पतला बेल लीजिए। ये इतना पतला होना चाहिए कि इसके नीचे से आपके हाथ भी दिखने चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ दिख रहा है। इसी तरह लेयर बनाने के लिए बाकी के कुल 5 रोटियां भी तैयार कर लें। अब सबसे पहले रोटी को रखें, फिर इसमें घी और चावल के आटे का जो पेस्ट बनाया था उसे लगा के सभी तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब इसमें दूसरी रोटी रखें और फिर से इसमें पेस्ट लगा दें। इसी प्रोसेस को हमें आखिरी रोटी तक फॉलो करना है। तो ये मैंने 3rd रोटी रखी, फिर 4th और फिर ये आखिरी रोटी। अब इसे टाइटली ऐसे रोल कर दे और थोड़ा सा पेस्ट साइड में लगा के इसे सील कर दे और 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर ले। तो 10 मिनट रेफ्रिजरेट करने के बाद इसे कट कर ले। अब पहले तो हाथ के मदद से इसे प्रेस करे और बेलन से इसे लंबा और हल्का पतला बेल ले। देखिए इतना थिकनेस होना चाहिए। इसी तरह सभी खाजा रेडी कर लें। अब एक कढ़ाई में फ्राई करने जितना तेल ले लें, फिर लो फ्लेम में धीरे धीरे खाजा को फ्राई कर लें। हमें यहाँ तेल का टेम्परेचर एकदम सही रखना है। ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो खाजा हमारा अंदर से क्रिस्प नहीं रहेगा या फिर वो कच्चा रह जाएगा। अब इसे हम हल्का सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए सभी लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं और अंदर से भी क्रिस्प हो चुका है। देखिए तो खाजा हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे
चलिए तो तब तक चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी एक तार की बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इसमें गर्मा गर्म खाजा को बस डुबा के उठा लेंगे। ध्यान रखें, यहाँ खाजा को ज़्यादा चाशनी में नहीं डुबाना है। अगर ज़्यादा देर तक खाजा को चाशनी में डुबा के रखेंगे तो वो नरम हो जाएगा और क्रिस्प नहीं रहेगा। लीजिए, तो हमारा पूरी स्पेशल स्वीट खाजा या गौजा बनके तैयार हो चुका है। ये एकदम परफेक्ट बना है। अगर आप सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका भी एकदम ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस जन्माष्टमी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो एक खाजा को तोड़ के चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से क्रिस्प बना है कि नहीं। देखिए ये कितना क्रिस्प बना है, बिल्कुल परफेक्ट, अंदर से क्रिस्पी और बाहर से टेस्टी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दे।